गाइस, आई एम ममता, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाट आई एट फॉर ब्रेकफास्ट दिस वीक। तो मैंने मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली ब्रेकफास्ट शूट किया है इस वीक का, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेकफास्ट रेसिपीज है ये बहुत ही सिंपल, हेल्दी एंड क्विक एंड ईजी टू मेक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बनाऊंगी दही वाले सैंडविच। तो इसके लिए मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड, आप चाहे तो इसे वाइट ब्रेड में भी बना सकते हैं। एंड हमें चाहिए योगर्ट और दही। एंड मैंने प्याज को काट लिया है एकदम बारीकी से, एंड थोड़ी सी हरी मिर्ची, एंड इसमें आप कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास कोरिएंडर लीव्स अभी नहीं है इसलिए मैं प्याज एंड हरी मिर्ची के साथ ही बनाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने लिया है दही, एंड इसमें हम मिलाएंगे नमक एंड थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर। एंड इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सो मैंने दही को फेंट लिया है अच्छी तरीके से। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये अनियंस एंड हरी मिर्ची। प्याज और हरी मिर्ची मिलाने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे दही के साथ। सो यहाँ पे मैंने लिया है 4 ब्राउन ब्रेड, एंड इसके ऊपर मैं इसकी ड्रेसिंग करने वाली हूँ। तो मैंने योगर्ट को अच्छी तरह से फैला लिया है। अभी इसके ऊपर जाएगा एक ब्रेड इस तरीके से। सो मेरी तवा हॉट हो चुकी है, अभी इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल एंड थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स। एंड इसे क्रैकल होने तक वेट करेंगे। एंड इसको मैं सर्व करूंगी विद टमेटो केचप। सो माय योगर्ट सैंडविच इज रेडी। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये सूजी के उत्तपम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सूजी के उत्तपम बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी एंड दही। तो सबसे पहले हम दही को सूजी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने सूजी में दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी थोड़ा सा। नाउ लीव दिस मिक्सचर फॉर 10 टू 15 मिनट्स ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए।
एंड उत्तपम बनाने के लिए मैंने ये सारे सब्जियां लिया है। तो ये है श्रेडेड कैरेट्स, मैंने गाजर को अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज लिया है जो मैंने बारीकी से काटा है, एंड एक टमाटर लिया है इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, एंड थोड़ी सी हरी मिर्ची। एंड यहाँ पे हमारी सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है, एंड ये काफ़ी थिक हो गई है, तो हमारी बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना है एंड बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना है, मीडियम कंसिस्टेंसी में हमें रखना है इसे। तो मैं इसमें थोड़ी सी और पानी मिलाने वाली हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, एंड अभी ये सारे सब्जियां मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। मैंने तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी ऑयल, एकदम थोड़ी सी बस, एंड इसे मैं फैलाऊंगी। तो ये जो उत्तपम है ये नीचे के साइड से पक गया है, इसलिए आप साइड से देख सकते हैं कि इसके कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसे पलट देंगे। एंड इसे दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक गया है। तो दिस इज़ रेडी। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, सूजी के उत्तपम, एंड मैंने इसे सर्व किया है थोड़ी सी टमेटो केचप के साथ। ये सूजी के उत्तपम बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी भी होते हैं। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ सेवई के उपमा। सेवई के उपमा बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड ये हेल्दी भी है और साथ में बहुत जल्दी भी बन जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सेवई के उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए सेवई, एंड यहाँ पे मैंने लिया है इसकी इंग्रेडिएंट्स, ये है अनियंस, कैरेट्स, थोड़ी सी ग्रीन चिली एंड टमाटर। आप चाहे तो कोई और सब्ज़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सेवई को रोस्ट करना होगा। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई है तो आपको ये प्रोसेस जो है वो स्किप करना है। तो सबसे पहले सेवई को हम ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। एंड इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर में ना आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेवई के कलर जो है वो चेंज हो गया है, ये लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। तो अभी हम सेवई को एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने सेवई को एक अलग से प्लेट में निकाल लिया है। अभी मैं पैन में डालूंगी ऑयल, देन मस्टर्ड सीड्स, आप इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी करी पत्ता अवेलेबल नहीं है, सो मैंने करी पत्ता नहीं डाला है यहाँ पे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये कैरेट्स एंड अनियंस,
एंड ये हरी मिर्ची, तो इसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। एंड टमाटर को मैंने ऐड नहीं किया है, इसे मैं बाद में ऐड करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। सो मैंने टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई किया है एंड अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये रोस्टेड सेवई, एंड सेवई को वेजीज के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अभी ऐड करेंगे पानी। एंड अभी ऐड करेंगे सॉल्ट। एंड इसे कवर करेंगे। सेवई को बनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, जस्ट 2-3 मिनट में ये बन जाता है। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है तो मैं इसे रिड्यूस कर रही हूँ पानी को। तो यहाँ पे हमारा उपमा जो है वो रेडी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है, खिला खिला। तो मैंने उपमा को एक प्लेट में सर्व कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बना है एकदम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला। इसके लिए हमें चाहिए बेसन एंड हमें चाहिए एक प्याज बारीक कटा हुआ एंड हरी मिर्ची एंड सॉल्ट। आप चाहे तो इसमें टर्मरिक पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं टर्मरिक पाउडर इसमें नहीं डालती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो जैसा कि आपने देखा है मैंने इसमें डाला है नमक, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। एंड इसे अच्छी तरह से फेंट ले एंड एक पतला सा बैटर बना ले। सो बैटर जो है वो बन गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्ची एंड प्याज। एंड इसे भी मिक्स कर लेंगे। सो ये रहा हमारा बैटर। तो हमें लेना है एक तवा एंड तवा हॉट होनी चाहिए। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ऑयल, जस्ट इतना सा। तो हमने स्प्रेड कर लिया है ऑयल। अभी हम डालेंगे इसमें बैटर। एंड इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। एंड इसे पकने देंगे एंड जब तक इसके नीच की पार्ट पक ना जाए तब तक हम इसे फ्लिप नहीं करेंगे। ये बन गया। सो ये हमारा बन गया चीला। एंड ये चीले को आप चटनी या केचप के साथ खाइए।
सो आज मैं बनाऊंगी पोहा। तो ये है पोहा और फ्लैटेंड राइस। तो मैं पोहे को सिंपल प्याज के साथ बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। सो पोहे को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है एंड मैं अभी इसे छान रही हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, इसमें करी पत्ता डाला जाता है लेकिन मेरे पास करी पत्ता है नहीं तो इसलिए मैं करी पत्ता नहीं डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे एंड मैं सिंपल सा इसमें अनियन एंड हरी मिर्ची डालने वाली हूँ। इसमें आप चाहे तो कुछ और भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कैरेट्स, ग्रीन पीस, ये सब डाल सकते हैं। इसमें चाहे तो पीनट्स भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे पीनट्स ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं सिर्फ अनियन एंड हरी मिर्ची डालने वाली हूँ। तो मस्टर्ड सीड्स जो है वो चटकने लगे हैं, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये ग्रीन चिलीज एंड अनियन। प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी टर्मरिक पाउडर। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ पोहा। सॉल्ट, एंड थोड़ी सी शुगर, एंड लास्ट मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी लेमन जूस। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट पोहा, मैंने एकदम सिंपल रखा है, मुझे ऐसे ही पोहा बहुत पसंद है। सो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की चीला। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज बनाएंगे हम मूंग दाल का चीला। और मूंग दाल के चीले के लिए मैंने मूंग दाल को 10-15 मिनट के लिए ऐसे भिगो के रखा था। एंड इसमें हमें चाहिए एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची, आप चाहे तो एक ले सकते हैं या दो, मैंने दो लिया है। एंड अभी हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। सो मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड ये आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ पेस्ट है। तो आपको ऐसे ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, आप इसमें ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, बस थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें इसे गाढ़ा रखना है। एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो मैं इसे तवा पे बनाऊंगी, तवा हॉट है अभी। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑयल एंड इसे अच्छी तरह से फैलाएंगे। एंड इसकी जो बैटर है ये कुछ इस तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा एंड पतला भी नहीं होगा, मीडियम कंसिस्टेंसी में। एंड हम इसे पकने देंगे ताकि ये नीचे के साइड से अच्छी तरह से पक जाए, देन हम इसे फ्लिप करने वाले हैं। तो ये नीचे की साइड से अच्छी तरह से पक गया है एंड अभी हम इसको फ्लिप करने वाले हैं, ये आप देख सकते हो। इस साइड से भी हमको अच्छी तरह से इसे पकाना है।
तो ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक गया है। सो आवर मूंग दाल चीला इज रेडी एंड मैंने इसे थोड़ी सी टमेटो केचप के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही इजी टू मेक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।